A great day in Indian history. It is Independence Day. Yes, Swatantra Divas tha. Suresh is drawing and coloring a national flag. Suresh Rashtriya Dhwaj banakar use color kar raha tha. His sister enters the room hurriedly. Shighrata se uski behan kamre mein pravesh karti hai. Usa. Brother, you have been very busy today. क्या आप बहुत बिजी हो आज? I came in once to ask you about a problem in arithmetics, but you would not even look up. मैं एक बार आई थी कमरे में आपसे arithmetic means होता है अंकगणित की समस्या को पूछने के लिए, but आपने ऊपर देखा ही नहीं. What are you doing? आप क्या कर रहे हो? What is this? ये क्या है? सुरेश, I am making our national flag. मैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ. डोंट यू सी द थ्री कलर्स? क्या तुम देख नहीं रही हो तीन कलर? उसा, ओ यस, हाँ. आई कैन सी द थ्री कलर्स, मैं देख सकती हूँ तीन कलर. सुरेश, लुक द व्हील इज इन द मिडिल, मीन्स राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसे देखो. उसा, What are you going to do with the flag? आप इस फ्लैग के साथ क्या करने वाले हो? सुरेश, do with the flag? Don't you know that tomorrow is 15th August and we are going to unfurl the flag? क्या आपको पता नहीं है कि कल 15 अगस्त है और हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे? उषा, oh yes, of course. हाँ बेशक, उषा कहती है बेशक. सुरेश, it is the Independence Day. ये स्वतंत्रता दिवस है. Our country got independence on 15th of August 1947. हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय, गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू एंड मैनी अदर फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री. भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तिलक, गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और भी बहुत सारे फाइटर्स ने, स्वतंत्रता सेनानी ने संघर्ष किए हैं काफ़ी सालों तक. उसा, फॉट, लड़ाई. सुरेश, यस, दे फॉट एंड वर सेंट टू प्रिजन. हाँ, उन्होंने संघर्ष किया और वे उन्हें जेल भी जाना पड़ा. वी मस्ट रिमेंबर देम, हमें अवश्य उन्हें याद रखना चाहिए. एंड डू आर बेस्ट टू लाइक देम, और हमें उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. उषा, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, आप इस फ्लैग के साथ में क्या करोगे या इस फ्लैग का क्या करोगे कल? सुरेश, वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द फील्ड, हमारी एक परेड होने वाली है फील्ड में. वी शैल पुट द फ्लैग ऑन द पोस्ट, सिंग द नेशनल एंथम एंड मार्च पास्ट द फ्लैग लाइक सोल्डर्स. वी शैल पुट द फ्लैग ऑन द पोस्ट, हम फ्लैग को पोस्ट पे रखेंगे. सिंग द नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत गाएंगे, सॉरी राष्ट्रगान गाएंगे. एंड मार्च पास्ट द फ्लैग लाइक सोल्डर्स, और सोल्डर्स की तरह मार्च पास्ट करेंगे. उसा, एंड देन, और उसके बाद. सुरेश, देन वी आर गोइंग टू प्लांट 100 न्यू सैपलिंग्स नियर आवर स्कूल एंड अलोंग द रोड. उसके बाद में हम 100 पेड़ों का पौधा रोपण करेंगे स्कूल पे और सड़क के किनारे. दे विल ग्रो बिग एंड सैडी, गिव फ्रूट्स एंड विल ब्रिंग रेन. वे बड़े होंगे, छाया देंगे, साथ के साथ इसमें फल भी देंगे और बारिश भी लाएंगे. यू नो, मदर वुड आल्सो गेट ए फ्यू नेवर चिल्ड्रेन टुगेदर, टीच देम एंड कॉम देयर हेयर. आपको पता है, माँ भी पड़ोस के बच्चों को बुलाएंगी, उनके बाल उन्हें सिखाएंगी, मीन्स उन्हें पढ़ाएंगी और उनके बाल भी कंघी करेंगी. सोशल सर्विस, यू नो, समाज सेवा. यू सी, उषा, कैन आई हेल्प हर, क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? सुरेश, ऑफ कोर्स, बेसक, यू कैन, हाँ कर सकती हो. एवरीबॉडी मस्ट डू हिज और हर बिट,
हर किसी को करना चाहिए. आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स टू राजपुरा विलेज. मैं अपने दोस्तों के साथ राजपुरा गांव जा रहा हूँ. वी आर गोइंग टू रिपेयर ए वेल. हम वहाँ जाकर एक वेल को, वेल मीन्स होता है कुएँ को, कुआँ, तो वहाँ पर जाकर हम एक कुएँ को रिपेयर करेंगे. उसा ब्रदर, इट साउंड्स गुड. ये तो अच्छी बात है. इफ़ वी ऑल डू ए लिटिल विल इट हेल्प आवर कंट्री. अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये हमारे कंट्री को हेल्प करेगी, मींस ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा. सुरेश, ओ यस, हाँ, बट वी टॉक टू मच एंड डू लेस. लेकिन हम बातें बहुत करते हैं लेकिन करते बहुत कम हैं. इट इज़ नॉट इनफ टू अनफ्लर द फ्लैग ऑन द 15th ऑफ अगस्त एंड ऑन द 20th ऑफ जनवरी. ये पर्याप्त नहीं होता है, ये काफ़ी नहीं होता है कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण करें. उषा, प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू. उषा कहती है, कृपया मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती या क्या मुझे क्या करना चाहिए. सुरेश, यू कैन क्लीन एंड टाइडी अप योर रूम एंड योर होम. आप अपने कमरे को और अपने घर को साफ कर सकते हो. यू कैन टेल पीपल नॉट टू स्पिट ऑन द रोड्स. आप लोगों को ये बता सकते हो कि वो सड़क पर थूके नहीं. यू कैन लर्न योर लेसन्स एंड हेल्प मदर. आप अपने लेसन्स को लर्न कर सकते हो और माँ की सहायता कर सकते हो. उषा, आई हैव अ टीचर एट स्कूल. मेरी स्कूल में एक टीचर है. सी टेल्स अस टू बी हेल्पफुल टू अदर. और उन्होंने बताया कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए. उषा, ब्रदर, कैन आई कम टू द परेड टुमारो. उषा कहते हैं, भाई क्या मैं कल आ सकती हूँ परेड में. सुरेश, ऑफ कोर्स यू आर वेलकम. हाँ आ सकती हो, स्वागत है. उषा, ओ थैंक यू, शुक्रिया. लेट मी हेल्प यू नाउ विद द पेंटिंग ऑफ द व्हील्स. कहती है कि चलो मुझे इस चक्र की जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग कर रही हूँ, उसमें मुझे हेल्प करने दो. आई शैल होल्ड द टिन ऑफ पेंट. मैं जो पेंट का टिन है उसे पकड़ूंगी. सुरेश, नाउ बी केयरफुल, ध्यान रखना, और यू विल स्पिल द पेंट ओवर द होल फ्लैग. अन्यथा क्या होगा, पूरे पेंट को आप इस फ्लैग पे गिरा दोगे. दैट वुड नॉट बी हेल्पिंग मच. और फिर क्या होगा, ये मेरी ज़्यादा मदद नहीं करेगा. दे वॉन्ट ए क्लीन फ्लैग फॉर द परेड. उन्हें एक क्लीन स्वच्छ फ्लैग की ज़रूरत है परेड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें, वाई वॉज सुरेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग. सुरेश नेशनल फ्लैग मीन्स राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना रहा था. तो 15 अगस्त था इसलिए वो बना रहा था. व्हाट आर द 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग. हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर कौन कौन से हैं. तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है केसरिया, हरा और सफ़ेद. व्हाई डू वी सेलिब्रेट 15th ऑफ अगस्त. हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भारत आज़ाद हुआ था. 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं हर साल. वाई डू वी रिमेंबर ग्रेट मैन लाइक तिलक, गोखले, गांधी जी एंड अदर्स. हमें जो ग्रेट मैंस हैं, मीन्स फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्हें क्यों याद रखना चाहिए. तो हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं भारत को स्वतंत्र कराने में. व्हाट वाज सुरेश गोइंग टू डू ऑन द इंडिपेंडेंस डे. सुरेश क्या करने वाला था स्वतंत्रता दिवस के दिन. तो सुरेश परेड में हिस्सा लेने वाला था, साथ ही साथ उसके बाद में वो राजपुरा गांव जाकर एक वेल को रिपेयर करने वाला था अपने फ्रेंड्स के साथ में. व्हाट वाज सुरेश गोइंग टू डू विद. ये तो हो गया. हाउ कैन वी हेल्प आवर कंट्री एंड बी केयर बी हेल्पफुल टू अदर्स. हम अपने राष्ट्र की सहायता कैसे कर सकते हैं और दूसरों के लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं. तो हम छोटे छोटे कार्य कर भी अपने राष्ट्र की सहायता कर सकते हैं. हमें एक दूसरे के साथ में प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए. ये भी हमारे राष्ट्र के लिए एक हेल्प ही होगी.